नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रामराजा सरकार की नगरी ओरछा पहुंच गई हैं। उन्होंने धार्मिक नगरी में चल रही शराब की दुकानों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि रामराजा सरकार की नगरी में शराब की दुकान का क्या औचित्य, लोगों की लत का उपयोग कर रुपए बनाना सरकार का धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि राम का नाम लेने वाले मूल दोषी हैं। मैंने इस सरकार के लिए वोट मांगे हैं, इसलिए मुझे फांसी पर लटका दो। ओरछा में नियम विरुद्ध चल रही शराब दुकानों के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। आक्रोशित होकर उमा भारती ने साफ कहा कि शराब की दुकान के लिए गांव अलॉट था, बीच नगर में दुकान अलॉट नहीं हुई थी। जिला आबकारी अधिकारी को तय करना था, आबकारी अधिकारी को शर्म आना चाहिए थी। शराब दुकान वाले तो अपना फायदा ही सोचेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोगों को गंगा जल बांटना चाहिए, गाय का दूध और छाछ पिलाना चाहिए, लेकिन आप यहाँ शराब पिला रहे हो तो फिर किस बात की राम की भक्ति है। मीडिया ने उनसे सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी राम भक्ति से दूर हो रही है, तो जवाब में उन्होंने कहा कि यह तो आप वीडी शर्मा से पूछना, इस सवाल का हम जवाब नहीं देंगे। शराब की दुकान के पास 7 गायों को बांधने के लिए खूंटा लगा दिया है। कल सुबह वहां पर उमा भारती स्वयं गाय बांधेंगी। अब यहाँ च्वाइस क्या है? अगर लोकतंत्र में च्वाइस अच्छे और बुरे में ना बचे, बुरे और बहुत बुरे में हो जाए, तो लोग बुरे को चुन लेंगे, बहुत बुरे को छोड़ देंगे। बुरे की सरकार बन जाएगी, बहुत बुरा नहीं बना पाएगा। इसलिए सरकार बनाना, और वो भी 50% वोट तो मिल ही नहीं रहा, जो मिला वो 50% है, और उसने भी जो च्वाइस की है वो बुरे और बहुत बुरे के बीच में बुरे की कर ली है, वो बड़ी उपलब्धि नहीं है। सत्ता में बना रहना बड़ी उपलब्धि नहीं है। स्वस्थ समाज की रचना करना, बच्चों के भविष्य की चिंता करना, महिलाओं की सुरक्षा की चिंता करना, वो बड़ी बात है। परसों मधुशाला में गौशाला खोलेगी, मैंने तय किया, क्योंकि वो नियम विरुद्ध है। अब मैं नई शराब नीति का वेट नहीं करूंगी। मैं शिवराज जी को दुर्गा हनुमान मंदिर से आशीर्वाद दूंगी, आप सदा यशस्वी रहो, और मीडिया के माध्यम से अपील करूंगी, सेवक की भूमिका से बाहर आओ और शासक की भूमिका में आओ। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।